दिन के दौरान थॉमस स्विम्स ऐसे दिखते हैं और जब शाम को तैयार होकर बाहर निकलते हैं तब ऐसे। वह अपने पसंद का फैंसी मेकअप करते हैं जिसे आजकल अगली मेकअप कहा जाता है। यह मेरे लिए अपने रोजमर्रा से अलग खुद को जताने का एक जरिया है। मेरे विचारों में कई तरह के सपनीले संसार हैं। उनके हिसाब से मेकअप की मदद से मैं खुद को व्यक्त करता हूँ, इससे अलग अलग चरित्र करता हूँ। थॉमस स्विम्स जर्मन राजधानी बर्लिन में एक कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। इसके पहले कई साल उन्होंने थिएटर में काम किया जहां उन्होंने स्टेज मेकअप की बारीकियां सीखी। आमतौर पर बिल्कुल सादा रहने वाले थॉमस किसी खास मौके पर ऐसे लुक बनाते हैं। अगली मेकअप को जानबूझकर परंपरागत सुंदरता वाले अंदाज से अलग रखा जाता है, लेकिन ऐसा अजीबोगरीब मेकअप बिल्कुल नया नहीं कहा जा सकता। अमेरिकी रॉक स्टार एलिस कूपर हो या रॉबर्ट स्मिथ या फिर पॉप स्टार लेडी गागा को ही लें, दशकों से कई कलाकारों ने इसके इस्तेमाल से अपनी खास तरह की इमेज गढ़ी है जिसे दर्शकों ने खूब सराहा है। लेकिन हाल ही में इस ट्रेंड को नए फॉलोअर्स मिल गए हैं। सोशल मीडिया के जमाने में युवाओं के बीच इसने जोर पकड़ा है। युवा इसका इस्तेमाल सुंदरता के तय मानकों को तोड़ने में कर रहे हैं। कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी सुंदरता की आम परिभाषा को पूरी तरह उलटने में लगे हैं। मुझे इसकी प्रेरणा इंस्टाग्राम से मिलती है। मैं अपना सारा काम भी वहीं सबसे शेयर करती हूँ। इस तरह का सारा एक्सचेंज वहीं ज्यादा होता है। आज शाम थॉमस स्विम्स फिर तैयार हो रहे हैं। कभी कभी ज्यादा जताने के लिए ज्यादा कहना जरूरी होता है। यह कुछ ऐसा ही है। रंगों और आकारों की मदद से बहुत कुछ व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे नाटकीय रूप रंग के कारण लोगों का ध्यान खींचना तो लाजमी ही है।